हेलो एंड नमस्कार, मैं वैशाली गोगी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी अब लगातार अपने पैर पसारती दिखाई दे रही है। वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, लेकिन इसी बीच में डॉक्टर्स जो कि वैक्सीन ले चुके हैं, डबल डोज ले चुके हैं, उनकी फैमिली डोजेस ले चुकी है, वो भी अब कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और अब वो भी कह रहे हैं कि भाई वैक्सीन के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाओ। इसी के साथ ही देश में कोरोना वायरस को लेकर बहुत सारी खबरें अपडेट्स है। न सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया भर में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन सामने आ रहे हैं। ब्राजील, ब्रिटेन, जापान और दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट, इन सब ने बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया है, क्योंकि ये पुराने वायरस की तुलना में ज्यादा संक्रामक है और तेजी से फैलते हैं। इसी के साथ वैक्सीनेशन के लिए जल्द ही सिंगल डोज वैक्सीन भी उपलब्ध होगी, तो साथ ही में बच्चों के लिए वैक्सीनेशन को लेकर वैक्सीन का ट्रायल भी शुरू हो चुका है। इस तरह की बहुत सारी खबरें और अपडेट्स हैं, बहुत सारी चर्चाएं हैं, लेकिन सभी के बारे में एक साथ बात नहीं की जा सकती है, इसलिए हम इस वीडियो में केवल 5 महत्वपूर्ण खबरों को लेकर बात करेंगे। अब चलिए दोस्तों, हमारी आज की टॉप 5 खबरों की ओर बढ़ते हैं, जहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे देश के कोरोना के हाल पर। देश में फिर से टूटा कोरोना का कहर, 110 दिन के बाद 40,000 के पार नए कोरोना केस। देश में कोरोना वायरस महामारी के साथ एक बार फिर से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार कोरोना वायरस महामारी के केसेस में बढ़ोतरी देखी जा रही है और अब मामले इस तरीके से बढ़ रहे हैं कि ये आंकड़ा अब 40,000 की तरफ बढ़ रहा है। दरअसल देश में 110 दिनों के बाद 39,000 से ज्यादा मामले रिपोर्ट किए गए हैं, जो वाकई में चिंताजनक बात है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 39,726 कोरोना के नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। इसी के साथ 20,654 लोग कोरोना वायरस को मात देकर अपने घर वापस भी लौट चुके हैं। इससे पहले इतने ज्यादा मामले केवल पिछले साल सितंबर के महीने में रिपोर्ट किए गए थे। दूसरी अपडेट, कोरोना वायरस वैक्सीन लेने के 14 दिनों के बाद डॉक्टर्स मिले कोरोना पॉजिटिव, दावों पर उठाए सवाल। कोरोना वायरस वैक्सीन लेने के बाद पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेल्थ डिपार्टमेंट के चीफ डॉक्टर भारती कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, तो वहीं डॉक्टर सुभाष शालुंखे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर सुभाष महाराष्ट्र सरकार के सलाहकार भी रहे हैं और उन्होंने कोरोना वैक्सीन की डोज लेने के बाद ये बात की पुष्टि की है कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं और वो अपने परिवार के साथ घर में आइसोलेट हो चुके हैं। और इसी के साथ न सिर्फ डॉक्टर सालुंखे पॉजिटिव पाए गए हैं, बल्कि उनके परिवार के कई जन कोरोना वायरस की जद में आ गए हैं, जहां पर उनकी बीवी ने भी कोरोना वैक्सीन की डोज ली है, बल्कि उनकी पत्नी ने तो दोनों डोज ले लिए हैं। इसके बाद वैक्सीन की कार्यक्षमता पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या हुआ अब इसकी एंटीबॉडी का, कि दोनों डोज लेने के बाद भी ये वैक्सीन इस तरीके के प्रभाव दिखा रही है कि अन्य लोगों को जो वैक्सीन की डोज ले चुके हैं उन्हें भी कोरोना संक्रमण हो रहा है। इसके साथ ही डॉक्टर सालुंखे ने एक पत्र लिखकर इस पर यह बात कही है कि जल्द से जल्द इसके बारे में जांच की जाए और इस पर सख्त कदम उठाए जाए। तीसरी अपडेट, बच्चों के लिए कब तक आएगी कोरोना की वैक्सीन। ब्रिटेन ऑक्सफोर्ड वैक्सीनेशन के ट्रायल के दौरान प्रमुख रहे डॉक्टर एंड्रयू ने कहा है कि बच्चों के लिए वैक्सीन अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन जल्द ही उनके लिए वैक्सीन का होना बहुत जरूरी है। बेशक इस वक्त बच्चों के अंदर कोरोना का संक्रमण नहीं पाया जा रहा है, लेकिन उनके शरीर में उतनी एंटीबॉडी या रोग प्रतिरोधक क्षमता उपलब्ध नहीं है कि वो कोरोना वायरस संक्रमण का मुकाबला कर सके, इसलिए बच्चों में भी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। इसी बीच में अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर फाउची ने कहा है कि बच्चों को वैक्सीन का टीका दिया जाना काफी जरूरी है और उनका कहना यह है कि जल्द से जल्द बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध होगी इस साल के अंत तक। उनका कहना है कि गर्मी के सीजन जून जुलाई तक बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध होगी। साथ ही में उनका ये भी कहना है कि सितंबर में बच्चों का स्कूली सेक्शन शुरू होने वाला है, उससे पहले बच्चों को टीका दिया जाना जरूरी होगा और जल्द ही ऐसा किया भी जाएगा। चौथी अपडेट, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बस सेवा को किया बंद। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी लगातार जिस तरीके से बढ़ रही है उसे देखकर राज्य सरकारें काफी चिंता में आ गए हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस वायरस के संक्रमण को रोका जा सके या उसकी कोशिश की जा सके। महाराष्ट्र में जिस तरीके से संक्रमण फैलाव कर रहा है उसे देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कई जगह पर लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू और कई सख्त कदम उठाए हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में भी मामले ऐसे ही देखे जा रहे हैं। यहाँ पर भी लगातार संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और
भोपाल और इंदौर में सबसे ज्यादा मामले रिपोर्ट किए गए हैं। अब ऐसे में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकार ने ये फैसला लिया है कि अंतर्राज्यीय बस सेवा को जब तक अगला आदेश नहीं आ जाता तब तक के लिए स्थगित किया जाए। यानी कि महाराष्ट्र के लोग ना तो मध्य प्रदेश जा सकते हैं बस के माध्यम से और ना ही मध्य प्रदेश की बसें महाराष्ट्र जा सकती हैं। और इसको लेकर सरकार पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उसी को देखते हुए ये कदम उठाए गए हैं। पांचवी अपडेट, महाराष्ट्र में कोरोना का खतरा बढ़ा, सीएम उद्धव ठाकरे ने बुलाई अर्जेंट मीटिंग। कोरोना वायरस महामारी का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में देखा जा रहा है और इसी वजह से महाराष्ट्र की सरकार लगातार कई कठोर कदम उठा रही है। कई जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, कई जगहों पर संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन फिर भी मामले हैं कि काबू में नहीं आ पा रहे हैं। अब इसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पूरे एक्शन में आ गए हैं और उन्होंने बहुत ही जल्दी में कई सारी मीटिंगों का आयोजन किया और अन्य जरूरी क्रियाकलापों को लेकर उन्होंने इस बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए और सुझावों का आदान प्रदान किया। और शाम 6 बजे कोरोना टीकाकरण को लेकर हुई अहम बैठक में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। तो दोस्तों, ये थी आज की आपकी टॉप 5 खबरें। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। आपके लिए इसी तरीके से हर रोज हर रात 8 बजे कोरोना वायरस महामारी और वैक्सीनेशन से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण खबरें लेकर आती रहूंगी। आप बस चैनल के साथ इसी प्रकार से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।